होगा जरूर के सभी व्यूअर्स को मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कोकोनट एंड जागरी केक बनाना सीखेंगे। ये तो हम सभी जानते हैं कि चीनी से भी ज्यादा पौष्टिक न्यूट्रिशियस गुड़ होता है। आजकल की सबसे बड़ी चुनौती सबको न्यूट्रिशन देना है, सबको हेल्थी डाइट खिलाना है कि वो खाने में टेस्टी और हेल्थी दोनों हो। तो आज का हमारा केक चीनी नहीं गुड़ से बना है। ये बहुत अच्छे से रोस्टेड, बिल्कुल पका हुआ और टेस्टी डिलीशियस यम्मी केक बनकर तैयार हो जाएगा, जिसको हम चाहें तो कट करके पीसेस में रख कर डब्बे में स्टोर कर सकते हैं। तो इस केक को बनाने के लिए मैंने एक नारियल और करीब 250 ग्राम के करीब गुड़ लिया है। इस नारियल को हम छीलकर इसका जो पल्प है अंदर से वो निकाल लेंगे। तो मैं जल्दी से आपको नारियल को इजीली छीलने का तरीका बता देती हूँ। तो मैंने इसे हथौड़ी से मारकर तोड़ लिया है और इसे इस तरीके से अलग करके इसको थोड़ा थोड़ा हमें किसी स्पून से या किसी कड़छी से लैडल से थोड़ा ठोक लेना चाहिए छिलके की तरफ से, जिससे कि इसका जो छिलका है वो पल्प से और जल्दी से निकल जाता है। तो ये सारा मैंने नारियल निकाल कर तैयार कर लिया। अब हम एक ग्राइंडर लेंगे। मिक्सर ग्राइंडर में नारियल के बड़े बड़े टुकड़ों को चाकू से थोड़ा छोटा काट लेंगे ताकि ग्राइंडर में वो इजली ग्राइंड किए जा सके। थोड़ा काटने के बाद हम इसमें मिलाएंगे गुड़। एक नारियल में से हम थोड़ा सा नारियल ऊपर डेकोरेशन के लिए रखकर एक पीस, बाकी का हम सारा ग्राइंडर में डाल देंगे। इसमें हम स्वादानुसार गुड़ डाल लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा गुड़ भी डाल सकते हैं। गुड़ हमेशा चीनी से बेहतर रहता है खाने में, हमारे लिए काफ़ी न्यूट्रिशियस रहता है। पुराने ज़माने में तो चाय भी गुड़ की बनाई जाती थी और ज़्यादातर मीठी चीज़ें गुड़ के इस्तेमाल से ही बनाई जाती थी। अब ये गुड़ जो मैंने 4 से 5 पीसेस, जो पीसेस में गुड़ आता है वो ले लिया है और उसको मैंने ग्राइंडर में डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच दही। में लेकर आप मिला दीजिए 4 चम्मच दही। इसमें ऐड करने के बाद अब हम इस मिक्सर ग्राइंडर को ग्राइंड कर लेंगे इस मसाले को। पहले ये थोड़ा हैवी चल सकता है क्योंकि ये पीसेस हैं और जैसे ही जब इसमें एक चर्न आ जाएगा, थोड़ा सा ये मिक्स हो जाएगा, तो ये बहुत स्मूथली इजली जो है ग्राइंडर में ग्राइंड हो जाएगा पेस्ट। और हमें इसको थोड़ी देर बाद खोलकर देख लेना चाहिए और इसको बिल्कुल स्मूथ पेस्ट हमने तैयार कर लेना है। इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस वेन एवर वी आर यूजिंग एनी मिक्सर ग्राइंडर और प्रोसेसर, तो हमें बीच बीच में उसको ज़रूर एक ब्रेक देना चाहिए, कंटिन्यूसली हमें नहीं चलाना चाहिए। तो ये इस तरीके से हमने इसको चर्न कर लिया और थोड़ा सा मूवमेंट हम 5 to 6 टाइम्स इसको बीच में ब्रेक दे के ग्राइंड करेंगे तो ये काफ़ी स्मूथ पेस्ट आ जाएगा। तो इसको चेक करते हैं, ये थोड़े से लम्ब्स जैसे हमें बीच में नज़र आ रहे हैं तो हमें इसे थोड़ा सा और चला देना है। इस तरीके से हम इसको चलाते हुए काफ़ी स्मूथ पेस्ट केक बैटर के लिए तैयार कर लेंगे। शुगर बनाने का जो प्रोसेस हमारे मिल्स में रहता है, उसे जो गुड़ की शुद्धता है वो थोड़ी कम हो जाती है। और अगर हम किसी भी प्रकार से गुड़ खाएं, अगर गुड़ की चाय आपको अच्छी लगती है या किसी भी प्रकार से गुड़ खाया जाए, आजकल ढाबों में भी गुड़ इस्तेमाल किया जाने लगा है, गुड़ सर्व किया जाता है स्वीट्स में, बाद में सौंफ और गुड़, क्योंकि सभी अब इसके न्यूट्रिशन को, इसके फ़ायदों को जानने लग गए हैं। तो ये हमने गुड़ और नारियल का पेस्ट मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके तैयार कर लिया। तो अब हम एक बाउल लेंगे और उसमें लेंगे 1 कप या 1 कटोरी, जो भी मेजरमेंट आपको सहूलियत मुताबिक लगे, व्हीट फ्लोर। जी हाँ, मैंने गेहूं का आटा ही लिया है। और उसमें हम मिलाएंगे कॉर्नफ्लोर। ये मैंने हर चीज़ के अंदर स्लिप काट कर रखी हुई है ताकि इसकी एक्सपायरी का भी पता चलता रहे। तो 2 चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर मिला दिया है। अब हम मिलाएंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून इसमें मिलाया है और हम अब मिलाएंगे बेकिंग सोडा।
बेकिंग सोडा हमने हाफ टी स्पून इसमें मिलाया है। इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आप चाहें तो छालनी से छान कर भी मिक्स कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इनको कड़छी से हिलाकर ही मिक्स करने वाली हूँ। इनको अच्छे से हम हिलाकर मिक्स कर लेंगे। मैं मैदे की बजाय व्हीट फ्लोर, गेहूं के आटे का ही केक बनाना या कोई भी चीज़ बनाना ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि वो डाइजेशन के लिए इजी रहता है। इसमें हम मिलाएंगे 2 चम्मच फ्रेश क्रीम यानी मलाई और 2 चम्मच ही हम इसमें देसी घी मिला रहे हैं। और ये हमने ल्यूकवॉर्म वाटर रेडी करके रखा है, जिसको कि हम केक बैटर को स्मूथ बनाने के लिए बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब जो हमने कोकोनट और जागरी का जो पेस्ट ग्राइंड करके तैयार किया है, उसको हम व्हीट फ्लोर में गेहूं के आटे में मिला देंगे और इसको हिलाते हुए सभी बैटर को बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। सो नाउ इट्स द टाइम ऑफ लवली प्रोसेस ऑफ मेकिंग दिस बैटर स्मूथ बाय मिक्सिंग विद लैडल। तो इस तरीके से मिलाते हुए हम इसमें मिक्स करेंगे ल्यूक वार्म वाटर। बिल्कुल लाइटली वार्म किया हुआ पानी हमने लिया है, जिससे कि ये बैटर की जो हार्डनेस है वो बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन जाएगा और एक पोरिंग कंसिस्टेंसी, मतलब कि अगर हम कड़छी से उठाकर इसको डालेंगे तो बिल्कुल ईजिली पोर होना चाहिए, इस कंसिस्टेंसी का हम केक का बैटर रेडी कर लेंगे। देर इज़ नो फिक्स क्वान्टिटी ऑफ एडिंग वट अमाउंट ऑफ ल्यूक वार्म वाटर वी नीड। जनरली इट्स नियर अबाउट हाफ कप वाटर इज नीडेड टू मेक अ बैटर स्मूथ। सो अगेन वी विल मिक्स ऑल द इन्ग्रीडियंट्स स्मूथली। सो इट लिटिल बिट हार्ड स्टिल, इट्स लिटिल बिट हार्ड। सो वी कैन एड मोर ल्यूकवॉर्म वाटर। नाउ इट्स नियरली स्मूथ एंड वेन वी विल मिक्स इट मोर, तो अच्छे से इसको इस तरीके से मिक्स करने पर ये बैटर बिल्कुल स्मूथ पोरिंग कंसिस्टेंसी का हमारा केक बैटर रेडी हो गया। नाउ इट्स द टाइम टू ग्रीस अवर बेकिंग ट्रे। आप इस केक को माइक्रोवेव में, गैस तंदूर में या किसी भी तरीके से बना सकते हैं। यहाँ मैं आपको केक गैस तंदूर में बनाकर बता रही हूँ। तो ये मैंने जो एक एजिस वाला स्टील का सिंपल ट्रे लिया है, आप कोई भी बेकिंग डिश यूज़ कर सकते हैं। उसको पहले ब्रश से रिफाइंड लगाकर ग्रीस कर लिया अच्छे से सभी तरफ, फिर इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब मैदा छिड़क लिया। जी हाँ, डस्टिंग के लिए जनरली मैदा ही सही रहता है। व्हीट फ्लोर से अगर हम केक ट्रे का डस्टिंग करते हैं तो वो सही नहीं रहता, तो मैदे से इसका डस्टिंग करके सभी एजेस में हमने एक लेयर बना ली वाइट और एक्स्ट्रा मैदा हटा दिया। अब हम सारा जो बेकिंग का हमारा केक बैटर है वो इसमें डाल देंगे। गैस तंदूर हमने पहले ही गैस पर हीटिंग के लिए रख दिया है। Now it's time to tap this tray. इसको इस तरीके से टैप कर देंगे ताकि सारी एयर बबल्स इस बैटर में से, केक बैटर में से निकल जाएं और हमारा जो ऊपर का लेयर है बिल्कुल स्मूथ हो जाए। तो पानी डालकर हमने गैस तंदूर को चेक किया तो पानी की बूंदें एकदम से नीचे आ गई, तो ये इंडिकेट कर रही है कि गैस तंदूर इज रेडी। हमने बेकिंग ट्रे को गैस तंदूर में रख दिया। आफ्टर 9-10 मिनट्स इंटरवल हम केक को चेक करेंगे लिड को हटाकर कि ठीक से वो बेक हो रहा है, और जो फ्लेम है वो हम स्लो मीडियम ही रखेंगे। आफ्टर 37 मिनट्स जब हमने केक को चेक किया तो साइड से वो बहुत अच्छे से सिक गया था। देखिए इट्स क्लीन नाइफ, बट वेन एवर वी हैड चेक फ्रॉम द सेंटर सो इट इज लिटिल बिट रॉ, तो बीच में से अभी अच्छे से नहीं पकाया, तो इसको थोड़ी देर और हम गैस तंदूर में रखेंगे।
Now it's nearly 45 minutes and we will again check our cake, and it's nicely cooked from the edges. And what about from the middle is? Yes, it's cooked from the middle also. So it's nicely baked, nicely cooked cake, jaggery coconut, delicious, nutritious cake is ready. इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, और जब ये थोड़ा सा इसकी गर्माहट कम हो जाए तो आप इसको फ्रिज में रख दीजिए ताकि ये केक सेट हो जाए। ये देखिए, ये एजेस बिल्कुल इसके छूट गए हैं, बिल्कुल भी चिपका नहीं है, और ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है और फ्रिज में रखने के कारण सेट भी हो चुका है। इसके ऊपर एक प्लेट अपसाइड डाउन रख के इसको और टर्न करने पर हम थोड़ा सा ऊपर से टैप करेंगे तो ये पूरा का पूरा केक बिल्कुल इजीली बाहर निकल गया। आप इसकी साइड टर्न कर सकते हैं, देखिए कितनी अच्छे से ये रोस्ट हुआ है, बिल्कुल चॉकलेटी इसका कलर आ गया है। गुड़ के कारण इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है और फ्लेवर्स भी बहुत अच्छे हैं। तो इसको हम टर्न कर देंगे। आप चाहें तो इसको इसी तरीके से पीसीस में कट कर सकते हैं और डिब्बे में बंद करके रख कर काफ़ी देर तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको टी टाइम स्नैक्स में आप सर्व करिए और अपनी सेहत बनाइए। और अगर आप इसको डेकोरेट करना चाहते हैं तो इट्स वेरी सिंपल, प्रोसेसर में मिलने वाले इस कोकोनट क्रशर का इस्तेमाल करिए या फिर सिंपल कद्दूकस का। तो कोकोनट का जो एक पीस हमने रखा है उसको हम ग्रेट कर लेंगे। तो हमारा कोकोनट का पीस ग्रेट होके रेडी हो गया। वी कैन यूज अवर क्रिएशन फॉर डेकोरेटिंग केक। हेयर हम इस ग्रेटेड कोकोनट को दो बाउल्स में निकाल लेंगे और उस पर टू टाइप्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, यहाँ मैं येलो और रेड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, फूड कलर, उनका हम डालकर इस्तेमाल करें। इसको दो तरीके से आप कलर को मिला सकते हैं। पिंच ऑफ कलर आप कोकोनट, ग्रेटेड कोकोनट के ऊपर डालिए और उसको इस तरीके से स्पून से मिक्स कर दीजिए। दूसरा तरीका इसमें रहेगा कि किसी ढक्कन से आप ढक दीजिए उस बाउल को और उसको आप हिलाएंगे, तब भी कलर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। यू कैन यूज एनी वन ऑफ द वे। तो दो तरह के कलर्स हमारे डेकोरेशन के लिए, येलो एंड रेड, रेडी हो गए। अब इसको केक के ऊपर अपने मनचाहे तरीके से स्प्रेड कर दीजिए। आप चाहें तो कोई पिक्चर थीम बना सकते हैं। थम्स अप के आइकन को क्लिक करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल यू कैन सब्सक्राइब, इट्स टोटली फ्री एंड गेट द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियो बाय क्लिकिंग दिस सब्सक्राइब आइकन। अगर आपने होगा जरूर को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल के आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, तभी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री में सबसे पहले मिलेगी। You can share these videos to anyone by clicking share it icon, and your comments, your suggestions are all welcome. Screen पर दिखाई हुई videos में से अगर कोई भी video आप देखना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर दीजिए, आप पहुंच जाएंगे एक और नए video पर। तो thanks for watching, मिलते हैं नए video में नए idea के साथ, नई creativity के साथ। Till then, bye bye. Thanks for